हम पहुंच गए एलिस, ये हमारा नया रूम है। उप्स, लगता है ये किसी और का है। यहाँ पर काफी मस्ती चल रही है। हॉस्टल में कोई पढ़ाई नहीं करता है, यहाँ पढ़ाकुओं को आना मना है। बुरी किस्मत है जूलिया। क्या हम साथ गाना गा सकते हैं? अभी नहीं, पर अगर तुम चाहती हो। दोस्तों, शोर मचाना बंद करोगे? अपने ड्रम बंद करो। ओह, इसे बंद करो, ये पार्टी रुक नहीं सकती। मेरे साथ आओ जूलिया, चलो यहाँ से चलते हैं। आउच, हॉस्टल एक सबसे डरावनी जगह है। फ्यू, हम बाहर आ गए। चलो कुछ देर के लिए यार्ड में बैठते हैं। यहाँ कितनी शांति है। ठीक है, हमें अपना होमवर्क यही करना है। एलिस, देखो, स्नेल अपना घर अपने साथ लेकर चलता है। ये कितना अच्छा होगा अगर हम भी कुछ ऐसा ही करें, है ना? अच्छी सोच है जूलिया। चलो एक सीक्रेट रूम बनाते हैं। हमें ब्लूप्रिंट की जरूरत है। ये एक सी शेल हाउस बनने वाला है, सुंदर और सेफ। हमें बिल्डिंग मटेरियल्स चाहिए। जूलिया, मुझे पता है उसे कहाँ से लाना है। और फ्यूचर हाउस के डिटेल्स अपनी जगह पर है। हे, ध्यान से इसे जमीन पर रखो, ठीक है? चलो इस लेगो सेट को जोड़ते हैं। एक शेल हाउस बनाना बहुत आसान है। चलो फ्लेक्सिबल पाइप्स को लकड़ी के बेस पर लगाते हैं। स्क्रू ड्राइवर हमेशा तैयार होता है। तैयार है जूलिया, सारे पाइप्स को ऐसे ही लगाएं। इससे एक खास माउंट बनेगा। इस घर को फोल्डेबल बनाने के लिए ये सी शेल है। फ्रेम तैयार है। अब हम घर को फैब्रिक से कवर करेंगे। धूप और बारिश से बचने के लिए अच्छा तरीका है, ये बढ़िया है। और घर को उड़ने से बचाने के लिए हम इसे बांधेंगे। अब ये बंद गया है, हमने कर दिखाया जूलिया। इसे टेस्ट करने का समय हो गया है। ये काम कर गया और हमें पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता। रुको, हमें यहाँ लॉन नहीं चाहिए, ये आरामदायक नहीं है। हम असली फ्लोर बनाएंगे। चलो शुरू करें। हमें बड़ा मैश और बहुत सारे फैब्रिक चाहिए। अब हम बनाना शुरू करेंगे। चलो ट्यूल को स्ट्रिप्स में काटते हैं, जितना ज्यादा उतना अच्छा। अब हम स्ट्रिप को मैश के अंदर डालकर निकालेंगे। ये थोड़ा मुश्किल है, पर टीम इसे पूरा कर देगी। कितना सुंदर फ्लोर है। अब इसे लॉज में लगाने का समय है। ये सिर्फ सुंदर ही नहीं, आरामदायक भी है। पर उन्हें अभी आराम नहीं करना चाहिए, ये फर्नीचर के बारे में सोचने का समय है। कोई आइडिया है जूलिया? हम अपहोल्स्टर्ड चेयर बनाने वाले हैं। वाओ, मुझे इसे देखने का इंतजार नहीं हो रहा। जूलिया का प्लान काफी आसान है। नए पिलो केस में एक फोम रबर का टुकड़ा डालें, इसे ठीक से सीधा काटें और पिलो तैयार है। और एलिस इसे स्केच बनाने से शुरू करेगी। अब वो काट सकती है, ये बढ़िया है। सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब फोम रबर को ब्लैंकेट से कवर करें। जूलिया एक बड़ा काम करने वाली है, उसे पिलोस को सिलना है। कोई जादू नहीं, सिर्फ मेहनत। और एलिस अपनी चेयर को जोड़ने के लिए तैयार है। ब्लैंकेट को काटे और ढीले किनारों को फोल्ड करे। ये क्लासी लग रहा है। और एलिस को थ्रेड्स की जरूरत नहीं है, टाइल्स सारी परेशानियां ठीक कर देगा। अब अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर तैयार है। कितना आरामदायक है, हमने कर दिखाया एलिस। इतनी सारी टेक्स्ट बुक्स, आप इसे पूरी जिंदगी पढ़ नहीं सकते। बुक से टेबल बनाना कैसा रहेगा? चलो शुरू करते हैं। बुक्स के एक बड़े टावर को बनाएं। ये काफी ऊंचा लग रहा है। मेरे पास एक आइडिया है, ये बुक वेव बनने वाला है। सुंदर है ना? पर बुक्स के बंडल को एक साथ बांधना होगा, ये एलिस करेगी। उसकी लेदर्स बेल्ट यहाँ काफी समय से पड़ी थी। ये अब असली टेबल लग रहा है। स्नैक कैसा रहेगा? स्वादिष्ट है। और कोई रूममेट सही? कौन सा हाथ है एलिस? ये वाला। वाओ, फिश। और जूलिया को सी वीड मिला है। हम इसका क्या करें? कैबिन के लिए बढ़िया डेकोर है। इनकी सीशेल पर नॉटिकल स्टाइल वाला इंटीरियर होगा। और शुरू करने के लिए हम फेल्ट के कुछ ब्लैंक्स काटेंगे। इस काम में जल्दी करना ठीक नहीं है। अब मजेदार हिस्से की बारी है। चलो डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। ब्लैंक्स के पीछे डबल साइडेड टेप लगाएं और होममेड स्टिकर्स को सीधा डोम की दीवार पर चिपका दें। आप
आपके सी शेल के अंदर के समुद्र की आवाज महसूस होनी चाहिए। कितनी प्यारी फिश है। चलो डाइव करें। यहाँ काफी ठंड है, बिल्कुल एक असली सी शेल की तरह है। ये लैंप के बिना नहीं हो सकता। एलिस को ये बनाना आता है। देखो और सीखो। चलो मेटल मेश को रोल करते हैं और किनारों को बांध देते हैं। लैंप का बेस तैयार है। अब हमें सिर्फ डेकोर के बारे में सोचना है। चलो फिर टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे लैंप शेड के किनारे पर हुक करें। बस हो गया, आसान है। इसे देखो जूलिया, आराम से करो एलिस। जल्दी लैंप और बढ़िया बन जाएगा। कलर ग्रेडियंट बनाने के लिए स्प्रे पेंट का इस्तेमाल करें। वाह, ये कमाल का लग रहा है। हम लाइट कहाँ से लाएंगे? चलो एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे बराबर करके ग्रिड पर लगाएं और लैंप को सीलिंग के नीचे लगाएं। इसे चालू करो एलिस। कितना सुंदर है। अब कैबिन में हमेशा लाइट रहेगी। ये कहाँ से आया? क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? इसे पकड़ो। हमने पकड़ लिया। व्हील से एक बढ़िया स्विंग बन सकता है। हमें बस इसे काटना होगा। एलिस काटने में माहिर है। चलो फालतू का हिस्सा हटा देते हैं। हमें बस बोर्ड की जरूरत है। इसे व्हील के ऊपर रखो। सेल्फ टेपिंग स्क्रूज से इसे दोनों तरफ से स्क्रू करो। इसे पकड़ो एलिस। अच्छी सोच है जूलिया। अब आरामदायक है। और हम रिबन से होल्डर बनाएंगे। हमें बस इसकी ब्रेड बनानी है। मेरी मदद करोगी जूलिया? मुझे अच्छा लगेगा। हमें दो ब्रेड्स की जरूरत है। इन्हें बोर्ड पर लगाएं। एडवेंचर के लिए तैयार हो एलिस? बिल्कुल। आउटडोर गेम्स से बेहतर और क्या हो सकता है? ऊंचा, ऊंचा। पर मजेदार गेम्स भी थका देने वाले होते हैं। हमें फ्रेश होना चाहिए। मैं अभी आती हूँ एलिस। सोच रही हूँ अब जूलिया क्या करने वाली है। हटो, हमारा फ्यूचर शावर देखो। पाइप को तीन टुकड़ों में काटें और रेक्टेंगुलर आर्च बनाएं। कोनों पर फोल्ड्स लगाएं। और अब आखिरी टच की बारी है। ऊपर के ट्यूब में होल्स बनाएं। बहुत सारे होल्स। हम शावर को लॉज के पास रखेंगे। और अब सबसे जरूरी चीज, चलो शावर में पानी लाते हैं। हो गया, इसे चालू करो। ये काम कर गया। मजेदार और ताजगी भरा। इस गर्म दिन में आपको और क्या चाहिए? क्रिएटिव आइडियाज हमेशा अचानक से आते हैं। जूलिया, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। हम एक मिनी व्हील बनाने वाले हैं। मजेदार लगता है। ये नॉटिकल डिजाइन के लिए बढ़िया सॉल्यूशन है। चलो कार्डबोर्ड पर असली स्टीयरिंग व्हील बनाते हैं। ये बढ़िया लगता है। बस इसे काटना बाकी है। शुक्रिया जूलिया, तुम सच्ची दोस्त हो। चलो अब स्टीयरिंग व्हील को उसकी जगह में लगाते हैं। लकड़ी की रेल पहले ही तैयार है। ड्रिल करके इसे बोल्ट से मजबूत करें। हमने कर दिखाया, तुम इसे घुमा भी सकती हो। पर अगर हम इसे पेंट करें तो ये और भी बढ़िया बन जाएगा। और होल्डर को रिबन से सजाएं और थोड़ी डिटेल्स। चलो ऑरेंज स्टाइल पर व्हाइट ड्रॉप बनाते हैं। एलिस, स्नैक खाना चाहोगी? जरूर, पर ये स्नैक खास होंगे। चलो खाने को व्हील पर चिपकाते हैं और यहाँ एरो रहेगा। खेलना चाहोगी? पहले तुम जूलिया व्हील को घुमाओ। कितना लकी है। ये मेरी फेवरेट कैंडी बार है। एलिस को भी ट्रीट मिल रही है। स्वादिष्ट ट्रीट को लेने के लिए व्हील को घुमाओ। स्वीट व्हील बढ़िया आइडिया है। पर अब आराम करने का समय है। कल का दिन मुश्किल होने वाला है। पर ये अच्छी सुबह नहीं होने वाली है। ये आवाज कैसी है जूलिया? चलो देखें, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? सीक्रेट कैबिन छा गया है और लगता है लोग यहाँ इसे खरीदने आए हैं। तुमने क्या सोचा है जूलिया? हम सेल लगाने वाले हैं। शुरू हो जाओ। अच्छी कीमत में कमाल का घर, मैं इसे खरीदूंगी। ओह हाँ, ये हमारे असली घर के लिए काफी है। अब शेल हाउस का नया मालिक है। बस उसे स्वीट व्हील नहीं मिलेगी। और ये शेल ट्रीट्स के बिना भी बढ़िया है।